2.5 लाख करोड़ का घोटाला, 1.5 लाख करोड़ का घोटाला, चारा घोटाला, 2G स्कैम, 3G स्कैम, पंडुबी स्कैम, अगर ये स्कैम याद करने हो तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ बाप, बिल्कुल हम मोदी बात कर, और हमारा जो है हिमाचल जो है वो थूकता है ये कांग्रेस की सरकार। एक तरीके से अगर ये सुखू और कंपनी की सरकार कुछ और महीने भी रही तो हमारे हिमाचल प्रदेश पर एक आर्थिक संकट आ जाएगा। शहजादा दिल्ली में है, दिल्ली बोलना जी भाई, मैं तो भारत की इकोनॉमी के लिए चांद पर आलू उगाऊंगा, इस तरह की बातें करता है। वो तमाशा कौन भूल सकता है जब संविधान के इस मंदिर में, लोकसभा में जो है वो जाके मोदी जी की गोद में बैठ गया, उनको जब भी पाई थी ना जो बेटी ना जो छोड़ो ही नहीं, बोले मैंने मोहब्बत की दुकान खोलनी है और मोदी कोर्ट में प्यार करूंगा। 2024 में श्री राम आए, उनकी प्रतिष्ठा तो नरेंद्र मोदी के हाथों से हुई। जिनको राम ने चुना है उनको हम कौन होते हैं उनको झुठलाने वाले। नमस्कार, रेड माइक में आपका स्वागत है। हम इस वक्त हिमाचल के मंडी में हैं, आप देख सकते हैं हम यहाँ क्यों हैं। हम कवर कर रहे हैं कंगना का प्रचार। कंगना रनौत यहाँ से मंडी से उम्मीदवार हैं बीजेपी के, जिनके सामने कांग्रेस के वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य चुनाव मैदान में हैं। तो इनके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कंगना रनौत के साथ प्रचार कर रहे हैं और अब 2 ही दिन बचे हैं प्रचार खत्म होने के। तो कंगना रनौत के भाषण, जो कंगना रनौत के बयान है, वो इनको फायदा पहुंचा रहे हैं नुकसान, ये एक बहुत बड़ी बात है। अक्सर बीजेपी के कार्यकर्ता ही कह रहे हैं कि अक्सर उनके कुछ बयान बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ही मुश्किल में डाल देते हैं। लेकिन देखेंगे कि यहाँ इस रैली में क्या रहते हैं कंगना के तेवर। वो प्रधानमंत्री मोदी को भगवान का अवतार कह रही हैं, तमाम तरीके की बातें कह रही हैं, कह रही हैं कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, इस तरीके के तमाम बयान हैं। आइए सुनते हैं कंगना रनौत को, वो क्या कह रही हैं, उनसे पूछेंगे सवाल और उनका प्रचार भी आपको दिखाएंगे। इस भद्रता की धरती पे फिर कुछ बोलती हूँ तो सर मरेगा एक बोल दीजिए बोले आज तो बोली देना माँ जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे उत्पात मचाया है भाई, इतना सारा इन्हें पैसा जया उधार ले लरा, 18,000 करोड़ का उधार ले लेना एक स्टेट गवर्नमेंट पर, उसका ब्याज कौन देगा? इतना ज्यादा जो है हमारी गवर्नमेंट पर भार आ रहा है, हजारों करोड़ जो सेंटर से आते हैं उनका कोई लेखा जोखा नहीं है। कहा जा रहा है वो पैसा कल को कोई और भी गवर्नमेंट आएगी, आपको जानकर ये बहुत आप हताश हो जाएंगे। इसलिए ये बात मैं बार बार नहीं बोलती कि हिमाचल प्रदेश में जो जितना भी इन पे इंटरेस्ट पड़ा करेगा उससे वो सरकार पूरी तरह से दब जाएगी। एक तरीके से अगर ये सुखू और कंपनी की सरकार कुछ और महीने भी रही तो हमारे हिमाचल प्रदेश पर एक आर्थिक संकट आ जाएगा, जिसे कि एक फाइनेंस इमरजेंसी जिसे कहती है, उस तरह की स्थिति यहाँ पर बन जाएगी। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है पडल ग्राउंड में मंडी में उनके सामने उन्होंने कहा, सबके सामने उन्होंने कहा, इतने बड़े ओहदे पे होते हुए उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं तीसरी टर्म में ऑफिस आऊंगा सबसे पहले मुझे हिसाब चाहिए होगा, हजारों करोड़ जो मैंने हिमाचल की जनता के लिए भेजे एक एक पाई का मुझे हिसाब चाहिए होगा। मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक तो ये जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, एक तरफ वो हैं जो कभी गरीबों के पैसों पर, जनता के पैसों पर नजर नहीं डालते, उनकी नियत और उनकी नियति दोनों ही जो है वो हमारे लिए एक आदर्श है। आज अगर हम भारतवर्ष में सुन रहे हैं कि भाई 80 करोड़ लोग का जो अनाज लाए देने तो वो कैसे हो रहा है कि भाई 50 करोड़ लाभार्थी जो है आयुष्मान भारत की स्कीम, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा जीवन बीमा 5-5 लाख की जो राशि का जो इलाज है मुफ्त बुजुर्गों को सबको मिल रहा है, वो कैसे हो रहा है? आज अगर हमारी माताओं बहनों को जो है चूल्हों से लेकर जो है वो शौचालय मिल रहे हैं तो कहां से ये अरबों खरबों करोड़ों रुपया कहां से आ रहा है?
आज हमारे किसानों को अगर किसान सन्निधि मिल रही है, गर्भवती बेटियों को अगर 6,000 की राशि पोषण के लिए मिल रही है, आज अगर हम चंद्रमा से लेकर अगर हम मंगल यान से लैंड कर रहे हैं, और अगर हमारा सेना बल जो है सेल्फ डिफेंस इक्विपमेंट बना रहा है, तेजस जैसे विमान हम खरीद रहे हैं और रफेल जैसे जो है वो खरीद रहे हैं और तेजस जैसे बना रहे हैं, और वन रैंक वन पेंशन जैसे 75,000 करोड़ जो है इस तरह की स्कीमों में दिए जा रहे हैं, तो वो पैसे कहां से आ रहे हैं? और वो पैसे 2014 से पहले कहां थे? ये हम भारतवासियों के मन में ये विचार जरूर आता है कि भाई जहां देखो वही उन्नति हो रही है, जहां देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से आज ऐसे ऐसे रोड, ऐसे ऐसे मार्ग, अटल टनल बोल दो, चाहे सुदर्शन सेतु बोल रहे हो, ऐसी ऐसी जगहें देखने को अगर मिलती है, तो ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा तो हमेशा से ही भारत के पास था, लेकिन जिन लोगों के हाथों में सत्ता थी उनकी नीयत खराब थी। आज के पॉइंट पे आप देख लीजिए, आप टीवी अपना ऑन करिए और सब जगह जो है आपको सिर्फ भारत समृद्ध होता हुआ दिखाई। नंबर मिलते हैं 78% हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व के नंबर वन लीडर बन के आते हैं, ऐसे ऐसी जो है हम खबरें रोज रोज देखते हैं। मोदी जी का जय श्री राम। वो दिन चले गए जब हम देखते थे कि भाई जी घोटाले हुए, 2.5 लाख करोड़ का घोटाला, 1.5 लाख करोड़ का घोटाला, चारा घोटाला, 2G स्कैम, 3G स्कैम, पंडुबी स्कैम। अगर ये स्कैम याद करने हो तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंडी गठबंधन वालों की सबकी शक्लें देखो, एक एक के ऊपर एक से बढ़कर एक जो है चोरी चकारी का जो है उनपे, स्कैम का जो है उनपे आरोप लगे हुए हैं। और यहां पर भी कांग्रेस का नाम और चोरों की सरकार ना, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर भी हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस का प्रत्याशी है जमानत पर बाहर है, वो उन लोगों ने भी क्या कुछ घपले किए हुए हैं, किसी से छुपा नहीं है। कितने भ्रष्ट हैं ये लोग, इन्होंने स्कूटरों के नंबर लगा के ट्रकों में स्मगलिंग की है, ये जमानत पे बाहर हैं। ऐसे जो है जो जनता का पैसा खाने के लिए इस तरह की करतूतें करने के लिए राजनीति में आना चाहते हैं, हमारी तरह नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, इतने सालों का राजनीतिक करियर के भाई वो से भी तक मुख्यमंत्री थे, बताइए आज गुजरात जो है जाम देता है उनपे, एक एक गुजराती कहीं भी मिल जाए आपको, हमें भी यहाँ पे मैं कहीं भी जाऊं जी हैं गुजराता थे, तो मैंने तो आप तो फिर बोले हाँ बाप बिल्कुल हम मोदी भक्त हैं, और हमारा जो है हिमाचल जो है वो थूकता है ये कांग्रेस की सरकार पे। जरूर आप मुख्यमंत्री बन जाते तो इसका मतलब नहीं कि घपले आपके साथ साथ चले। कांग्रेस सरकार है तू, है तू, है प्रधानमंत्री पर आज तक सरकार को 15 साल मुख्यमंत्री रहे, अब कितने कम प्रधानमंत्री उनके चरित्र पर एक साथ हम पर, हमने जो है वो बचपन से मेहनत की, अपने परिवार का जो है सहयोग दिया, अपने परिवार को संभाला, अपने रिश्तेदारों को जिनसे हो सका उतना, ना जाने कितनी चैरिटियां, ना जाने कितने संस्थानों में जो है वो डोनेशन दिया, आज तक कभी जनता के पैसे पर बुरी नजर नहीं रखी। एक इंसान नहीं बोल सकता कि भाई इन्होंने हमारा पैसा खा लिया। हम लोग वैसे लोग नहीं है, जयराम जी को देखिए, इनके चरित्र पर एक दाग नहीं है। अठावले जी को देखिए, कोई नहीं कह सकता इन्होंने, इनके पास जो होगा वो दिया जरूर होगा, किसी का कभी लिया नहीं होगा। मान हमारी, शान हमारी, जयराम ठाकुर जान हमारी, मान हमारी, शान हमारी, जयराम ठाकुर जान हमारी। आज अगर हमारे सरकार घाट में जयराम ठाकुर जान हमारी, अगर मंडी के एरिया से कोई बेटी और सरकार घाट के एरिया से तो एमपी भी कोई आ रहा है, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की ही सोच है और विचार है इस क्षेत्र के बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, युवाओं के लिए। कब तक वही परिवार जो है वो वही कुर्सियों से जो है वो चिपके रहेंगे? कब तक जो है हमारे युवा आगे की पीढ़ियां कभी उन्हीं की जो है वो जी हजूरी करते रहेंगे? ये जो सोच है ये भी भारतीय जनता पार्टी। हमारे प्रधानमंत्री जो एक गरीब परिवार से आते, सामान्य परिवार से आते हैं, वो गरीबों की मजबूरियां जानते हैं, उन्होंने किताबों में नहीं पढ़ी मजबूरियां गरीबों की। और बाकी जो है ये लोग कैरेक्टर किस लायक हैं आप मुझे बताइए? एक शहजादा दिल्ली में है, वो थी दिल्ली बोलना जी भाई मैं तो भारत की इकोनॉमी के लिए चांद पर आलू उगाऊंगा, इस तरह की बातें करता है। और फिर एक दिन कहता जी मैंने महाभारत पढ़ा, और बोले जी आपने क्या सीखा महाभारत से, क्योंकि महाभारत में तो गीता न जाने
कितनी सारी चीजें हैं, महाभारत तो एक ज्ञान का सागर है। तो सारी मीडिया उत्सुक होकर उससे पूछती कीजिए, आपने महाभारत से क्या सीखा, आप कुछ बताएंगे? अरे मैंने सीखा कि पांडवों ने कभी GST नहीं लगाया था। इस तरह की जो है वो कार्टून बातें करता है। एक दिन तो उसने हद कर दी, वो तमाशा कौन भूल सकता है, जब संविधान के इस मंदिर में लोकसभा में जो है वो जाके मोदी जी की गोद में बैठ गया, उनको जब भी पायलट दिला जो भेजती ना जो छट्टो ही नहीं, बोले मैंने मोहब्बत की दुकान खोलनी है और मोदी को आज मैं प्यार करूंगा, ये कोई तरीका नहीं। वो प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री हैं वो, और आपने उनको जपीटा, उसको छुड़ाया गया और बोला कि भाई मत करो ये सब काम, जानते जानते दिन कैमरे से आंख मारी। सोच सकते हैं जो वो दृश्य आज भी मुझे याद आता है तो मैं सर पकड़ के बैठती हूँ कि ऐसे कैरेक्टर को जो है ये हमारे भारत की सत्ता देना चाहते हैं। ओ, कुछ की देख लीजिए भी से कुछ की फनी जे लगा, कोई गंभीरता नहीं उसके चरित्र में, कोई योग्यता नहीं उसमें, और आपने देश का मजाक बनाया हुआ है। आप निश्चय ही देश के टुकड़े करके मिल बांट के खा जाना चाहते हैं। एक तरफ तो ये इनका मैनिफेस्टो देखिए क्या है, हम जो है इसकी जमीन उसको बांट देंगे, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, हम इसके सोना उसको दे देंगे, इसका इसको दे देंगे। ये देश के टुकड़े करना चाहते हैं। जहां देखो ये जो है, ये जो 9-10 मिले हुए हैं, ये अपना अपना राज्य भी चाहते हैं, चाहे वो ममता हो, चाहे वो तमिलनाडु की सरकार हो, चाहे वो ये अरविंद केजरीवाल हो, ये देश के टुकड़े करने में हमेशा ही ये लोग जुटे रहते हैं। उन सब की एक जहरीली गैंग बनाई हुई है और उनका लीडर बना हुआ है जी ये कार्टून। और ये चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी के सामने जो है एक कार्टून को वोट दें। अरे तुम्हारी तो कोई, मैं तो कहती हूँ कोई इनकी तो एक तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी के ही के लिए अच्छा नहीं है कि उनके पास कोई अच्छा विपक्ष नहीं है। एक तरह से ये लोग मजाक के एक कैरेक्टर हैं, इनको सीरियसली नहीं लिया जा सकता। हमारे मंडी में, हमारे सरकार घाट में इन्होंने क्या क्या किया किसको पता नहीं। जैसे ही मेरा टिकट अनाउंस हुआ तो एक भारी षड्यंत्र में मंडी की, जो हमारे यहाँ रवि डिस्ट्रिक्ट मंडी है, इसको जो है बदनाम करने की कैसी भारी साजिशें की कि भाई जी मंडी अरे भाव क्या है। और उनकी जो लीडर है वो ऐसा जो है लिखती है, तो इनकी साजिश कहती है कि हम मंडी को एक ऐसी नीच जगह पूरे देश में बना देंगे कि जो है उसका नाम ही एक कलंक बन जाए, ऐसी इनकी साजिश थी। सोच सकते हैं आप कैसे विषैले और कैसे जहरीले लोग हैं ये। लेकिन मेरे जितने भी देशभक्त साथी हैं, मैंने तो कुछ नहीं उस टाइम पे बोला, मैं इतना ज्यादा हर्ट हो गई, मैंने कहा मंडी जो हमारी छोटी काशी है, मंडी जहां पे पराशर ऋषि से लेकर मांडव ऋषि ने इतनी तपस्याएं की, यही मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मनु ऋषि से लेकर व्यास ऋषि हर जगह में जाती हूँ, पहले मंदिर जाना होता है, ऐसी मंडी के बारे में ये किस तरह की मंडी को ये बताना चाह रहे हैं। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने सोशल मीडिया देखी, ओ इतने जुत्ते पे, ओ बोले सिक्की सिक्की ने छितर पे ही ना जो नरे कुतरी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहे। और ये फिर मीडिया में आके कहते हैं जी मैं, हमने तो जी हमें नहीं पता कि जी किसने ये किया, और हमारा तो किसने अकाउंट ही ले लिया, और जी पीछे से ये हो गया। ऐसे बेशरम है, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए थे, और मंडी को जो इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है, ये चाहे कितनी माफिया मांग ले, ये चाहे कितने नौटंकी कर ले, माफी इन्होंने मांगी नहीं है लेकिन नौटंकी जरूर की है। क्या मुझे नहीं पता लग गया, हाथ रातों रात किसी ने कैसा होता है कि हमारा मोबाइल कोई ले जाए और उसमें से जी पोस्ट कर दे। ये चाहे कितने झूठ बोल ले, लेकिन मंडी की और सरका घाट की जनता नहीं भूली है। और देखिए मातृशक्ति यहाँ पे 70% सारी मेरी माताएं और बहनें हैं और बेटियां हैं और सब आई हुई है, और वो ये अपमान नहीं भूली है। और 1 जून को जो है यहाँ पे, तो मैं कहती हूँ कि सरका घाट से तो जमानत जब्त होनी चाहिए, से जो थी वोट भी लग रहे लेने, मैं तो बोले इतना भी ना जो वोट नहीं देने आए, क्योंकि ये जो सारे मेरे भाई और मेरे बुजुर्ग हैं, इन्होंने इनको भी ये बातें जो अच्छी नहीं लगी है बेटियों के। हम मंडी की जनता संकल्प करती है कि जो भगवत सरकार है, सारे जो है ये हिंदू राष्ट्र है हमारा, ये हिंदू सरकार है भाई, जो राम को लेके आए हैं, हम देव भूमि के लोग हैं, हम देव समाज के लोग हैं, हम जानते हैं कि जब राम आते हैं
अब कोई भी मंदिर हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम जो सपने आवे फिर इसे जो देव से अपू दस की आना मकदी आना कुथी आना कुछ कर ये सब जो है देवता डिसाइड करते हैं। ये हम मनुष्यों के हाथ की बात नहीं है। जो मंदिर 600 साल तक नहीं बना, जो मंदिर बनाने में खूनों की नदियां बह गई, सरकारें गिर गई, वो मंदिर जो था वो 2024 में श्री राम आए, उनकी प्रतिष्ठा तो नरेंद्र मोदी के हाथों से हुई। जिनको राम ने चुना है उनको हम कौन होते हैं उनको झुठलाने वाले? हम तो राम की सेना है, जिसको राम ने चुना है हम उसी को चुनेंगे। और 1 जून को जो है राम के नाम पर जो है हमें हिमाचल वासियों को जो है वो वोट डालना है। बार बार मोदी जी, बार बार मोदी जी, लगातार मोदी जी। आहारी से जे सरकार घाटा रे से जे आहारे लोग के अमीन जो कोई 10 ने जरूरत नहीं भैया। आहारे सरकार घाटा रा बड़ा भाग्य है, ए बड़ा अच्छा हमारा सौभाग्य भाई। अच्छा तक आहा जो मौका नहीं मिला पर आज हाँ जो मौका मिल गया हमारा सौभाग्य। हर क्षेत्र उन सिराज रा कितना सौभाग्य था, उन आउटल सिराज जाएं तो मैं देखा भाई कितने अच्छे रोड, हर जगह हेलीपैड बन रहे, हर जगह जो है कोई बस स्टैंड, कोई हॉस्पिटल, कोई सेक्ट्रेट, को कितने सारे ऑफिस बन रहे। तो ये हर क्षेत्र का एक भाग्य आता है भाई। हमारा सरका घाट बहुत पीछे रह गया। हमारे सरका घाट में सामान्य सुविधाएं, केंद्रीय विद्यालय और अस्पताल ऐसी भी सुविधाएं नहीं है। तमीन जी यह गलर को ज्यादा व्याख्यान करना नहीं है, कहने अच्छा मनी लगता अपने क्षेत्र ने एड़ी गलना करना। मैं तो बोले मैं सारी मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी राज्य से बड़ा अच्छा हाँ करना, पर मेरे से जो सरका घाट में जनता ही दिन अपनी बेटियां रे बड़ भारी इज्जत रखने मत कर दे करना सरका घाट डाउन है और अवश्य करेंगे। अपनी बेटी का सब साथ देंगे और हम साथ में चलेंगे। और तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और भी अपने रिश्तेदारों को सब जो फोन करना कनेडा बोलना भी देखो हिमाचलारी भी अपनी आहार मान रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बहुमत में सरकार तो बनाई लेनी, पर अभी किस क्षेत्र ने कितना जो है उसमें भाग्य लिया। ये जो संविधान का ये जो महापर्व है इसमें किसने कितना योगदान दिया और सब दिल पे बात रह जाती है और ये याद रह जाती है ये बातें। तो ये जो है जो जो इंसान ने हमारे लिए अपना जीवन खपा दिया, ना उसके कोई आगे है ना उसके कोई पीछे है, जो एक वक्त का खाना खाता है और रात को सिर्फ 4 घंटा सोता है और वो कुछ करता नहीं है, बस देश 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 के सिवाय और वो कुछ कर, वैसे इंसान के लिए अगर उनको 400 पार का संकल्प है तो मेरे हिमाचल की 4 सीटें जानी चाहिए और हम देंगे। हम 4 जून को सारा भगवा हुआ होगा, ये सारा देश बोलेगा भैया हिमाचल का पूरे भगवाएगा, केंद्र है बोले ना गुजरात ने उत्तर ये तो सारे भगवे, ये सारे सनातनी है, सारे देशभक्त है, ये सारे के सारे राष्ट्रवादी है। ऐसी हमारी जो है प्रदेश की ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी इमेज पूरे देश में होनी चाहिए। अब की बार 400 पार का संकल्प करेंगे, सारे सरका घाट वाले मेरे साथ दोनों हाथ रखें। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार।